इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, केदारनाथ वही जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। जय श्री माता। छत्तीसगढ़ संगवारी हो, मैं हूँ गगन सागर और मैं कर रहा हूँ रायपुर टू केदारनाथ यात्रा बाईसाइकिल। सो आज मैं रुका था एक पेट्रोल टंकी में, जो कि जब जबलपुर के पेट्रोल टंकी में, जिसमें सर लोग को जगह मंगा था। थैंक यू सर जगह वगैरह देने के लिए, जो कि अभी यहाँ से आगे निकलेगा ना इधर। तो थैंक यू सर जगह वगैरह इतना सर मतलब प्यार दिए, जगह दिए, धन्यवाद। आप जहाँ भी जा रहे हो अच्छी सुरक्षित जाओ, अच्छी एंजॉय करो। थैंक यू भैया। तो फिलहाल मैं निकल चुका हूँ इस पेट्रोल टंकी से। अभी फ़िलहाल मैं जबलपुर के पेट्रोल टंकी में रुका था, जो कि आज रायपुर टू केदारनाथ की यात्रा का 7वां दिन है। सो अभी मेरे को दमोह जाना है, जो कि यहाँ से लगभग 85 किलोमीटर है। तो आज क्रॉस कर जाएंगे दमोह। तो चलिए यात्रा शुभ हो आज का भी, दुआ कीजिए। तो आगे चलते हैं। वैसे चाय पानी हो गया मेरा, पेट्रोल टंकी वाले नहीं पिलाया। अब देखते हैं आगे, नाश्ता उस्ता खुद बनाएंगे आज, क्योंकि बस ऐसे ही। सो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ कटंगी, देख सकते हो कटंगी जिला जबलपुर लिखा हुआ है, और काफ़ी पुराना मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। सो अभी कटंगी अंदर चलते हैं। वैसे सुबह के 10 बज गए हैं और मैं सवेरे से लगभग 30 किलोमीटर प्लस चला चुका हूँ आज। काफ़ी बढ़िया चला लिया साइकिल, वैसे 2 घंटे में 30 किलोमीटर प्लस हो गया है, क्योंकि आज का रास्ता काफ़ी बढ़िया है। वैसे कटंगी की स्टार्ट गांव का, वैसे काफ़ी बड़ा एरिया में बैठा हुआ है कटंगी गांव। तो ये है कटंगी बस स्टैंड वाला एरिया, देख सकते हो काफ़ी बड़ा है वैसे साइकिल। तो अभी मैं हूँ ये कौन सा गांव भाई, कटंगी गांव में हूँ, देख सकते हो भाई इसको लोगो लगवा रहा हूँ अपने चैनल का, साइकिल नंबर प्लेट वगैरह बनाते हैं भाई। ये देखो अपना यूट्यूब का लोगो लगेगा यहाँ पे, देख सकते हो यूट्यूब का लग चुका है, अब इंस्टाग्राम का भी लगेगा यहाँ पे आगे, फिर यहाँ पे अपना चैनल का नाम होगा। इंस्टाग्राम यहाँ चिपका देना, साइड में चिपका देना, यही यही आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ चिपका दे रहे हैं नाम के यहाँ पहले। ठीक है, उखड़ेगा के नहीं उखड़ेगा, नहीं दोस्तों। देखिए लोगो लग चुका है यूट्यूब का, और ये रहा इंस्टाग्राम का, अभी नाम लिखना है गगन के ब्लॉग। भाई की दुकान बिहार, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्टिंग करके अगर डबल रोड में अगर जबलपुर आते हो तो आप रुक के करवा सकते हो। बस तो ये निकल रहा है अपने चैनल का नाम, देख सकते हो ये है अपना लोगो। वैसे भाई अच्छा काम करता है, तो काफ़ी बढ़िया है इनका काम, 2 मिनट में काम ख़त्म कर लिया और मेरा भी टाइम बचा गया। फिलहाल मैं कटंगी गांव से निकल के एक पेट्रोल टंकी जा रहा हूँ, थोड़ा पानी नहीं भर लूँगा यहीं पे और आगे निकलते हैं। दोस्तों फिलहाल बज रहे हैं 11 और मैं दमोह के रोड में हूँ। काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यहाँ से, देखिए जंगल टोटल। यहाँ लगभग जबलपुर से मैं वही 40 किलोमीटर लगभग चला चुका हूँ अभी तक। तो अभी देख तो मतलब कुछ बना के खाता हूँ, मैगी वैगी या कुछ ऐसे मैगी ही बनाऊँगा। वैसे यहाँ पे काफ़ी मतलब छाँव है, पेड़ है एक, देखिए मतलब यहाँ पूजा वूजा हो रहा है, मतलब पूजा होता है यहाँ पे। तो जस्ट हाईवे के किनारे ही बैठा हुआ हूँ, तो ये हाईवे, ये मेरी साइकिल और ये मैं, तो यहीं पे कुछ बना ना खाएंगे फिर आगे निकलेंगे। तो यहाँ मैं मैगी बना रहा हूँ, देख सकते हैं
रोड किनारे बैठा हूँ, शाह है और एक अंकल है यहीं पे जस्ट जो कि यही गांव के ही हैं, तो आए हैं बैठे हैं साथ में, तो देखते हैं बनाते हैं क्या क्या देखने के यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली यहाँ से निकलते हैं, जैसे काफ़ी लेट हो रहा है, देखते हैं आगे कहीं ढाबा वाबा मिलेगा तो खाना वाना खाएंगे, क्योंकि 11-12 कुछ बज रहा है, 11:30 कुछ ढाबा मिलेगा तो खाना वाना खाएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे आगे की डेस्टिनेशन। तो आप बने रहिए लास्ट तक। दोस्तों देखिए टोल नाका आ गए हैं, वैसे मध्य प्रदेश रोड डेवलपर, तो देखते हैं और कितना देर में स्टॉप लेना है हमको। तो दोस्तों काफ़ी धूप है, वैसे देख सकते हैं काफ़ी एकदम ज़्यादा वाला, क्योंकि ये एरिया ना पूरा पहाड़ी क्षेत्र में आ रहा है, टोटल चट्टान ही चट्टान, तो थोड़ा धूप में कुल्फी का आनंद लिया जा रहा है। वैसे इधर बहुत कम ऐसे चीज़ मिल रही है, क्योंकि बीच छोटा छोटा गांव ही है, शहर टाइप का है नहीं, तो आगे देखते हैं कुछ बड़ा शहर टाइप का है क्या। तो दोस्तों फिलहाल मैं हूँ गोबरा में, जो कि दमोह जिला के अंदर के दादा जी ये भाई लोग मिले थे तो चाय के लिए ऑफर किए, तो मैं फिलहाल रुका हूँ यहाँ। थैंक्स भाई लोग, एक बार बोलोगे क्या? जय जोहर जय छत्तीसगढ़, जय जोहर जय जोहर जय जोहर, धन्यवाद। कुछ बोलो भाई को सपोर्ट करो, हमारे दर्शक को कुछ बोलना चाहोगे? सपोर्ट करो भाई के लिए, भाई के लिए सपोर्ट करो, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, सपोर्ट करो भाई के लिए। थैंक यू भाई, भैया मार दो एक शायरी मार दो। वो चादरी है टेबल पर, वो इतवार पुराने ले आओ, हम कह देंगे आज छुट्टी है, वो यार पुराने ले आओ। बिल्कुल राइट, भी आप ही का सुना दो भी, आपका बढ़िया लगे। भैया को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई का। इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, केदारनाथ वही जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। जय श्री माँ का। भाई को सपोर्ट करो, भाई लोग को सपोर्ट करो, अच्छी चीज़। रावल भैया, सागर भैया, खेलने दिया ना, खेलो वीडियो आ रही है। ए अरे डालो, उदास का नहीं, हम कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं यहाँ 1.5-2 घंटा था, भाई लोग के साथ फुल मस्ती किया। थैंक यू भाई लोग, इतना सारा सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आप लोग के साथ पूरा गांव वाला फील आ गया भाई। ओके भैया, कुछ बोलना चाहोगे? नहीं भाई, कुछ हमारे दर्शक के लिए बोलना चाहोगे क्या? बोल रहा था भाई को गैल में, आप लोग सब लोग सपोर्ट करें गैल में, नहीं गांव वाली भाषा में गैल ही बोला। थैंक यू भाई, सपोर्ट बना रखा। तो दोस्तों फाइनली मैं वहाँ से निकल चुका हूँ, वैसे मैं 1.5-2 घंटा था, काफ़ी मज़ा आया उन लोग के साथ, मतलब अपना गांव वाले याद आ गया, लड़के लोग कैसे रहते हैं। वैसे मतलब लगता है बहुत जने को कि बाहर जाने से बहुत सारा टेंशन है, ये वो, वैसा कुछ नहीं भाई, अगर कहीं भी अच्छा से रहो ना तो बहुत अच्छा ट्रीट कर दे,
वैसे भाई लोग ने रोका, लगभग 2 घंटे मेरे को रोके थे, और चाय पिलाई, नाश्ता खिलाया, मतलब पोहा वोहा खुद बनवा के वहीं खिलवाए, तो काफ़ी मज़ा आ गया। वैसे बहुत टाइम तक खेल भी रहा था उन लोग के साथ। तो धन्यवाद भाई लोग, अगर देख रहे हो तो ज़रूर यार कमेंट करना, कभी ना कभी मिलेंगे एक आध दिन और। धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल मैं सुनसान जंगल के अंदर, मोटा जंगल देख सकते हैं, काफ़ी इलाका हाईवे पर थोड़ा सा सुनसान है। ये है कुछ इस प्रकार से जंगल, देखिए काफ़ी बिराना पड़ा हुआ है। वैसे बजरंगबली भी घूम रहा है, देख सकते हो, लेकिन इनको एक ही डर है, मोबाइल वोबाइल खींच लिए तो मेरा तो अलर्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से होता है घाट चालू, देख सकते हो, और यहाँ पे कुछ बोर्ड लगाया गया है, देखिए पड़िए और गाड़ी चलाइए ठीक से। सो यहाँ से हमारा पैदल यात्रा चालू हो जाएगा, पता नहीं कितने किलोमीटर के लिए। तो दोस्तों देखिए घाटी में वैसे काफ़ी गाड़ी लोग आ रहा है। दोस्तों फाइनली घाट हो गया है ख़त्म, एक हालत ख़राब हो गया चढ़ चढ़ के घाट यार। अभी जा रहे हैं नीचे की ओर, तो देखते हैं, वैसे 5-6 कुछ बज रहा है, देखेंगे अगर नीचे जुगाड़ होगा तो रहने का जुगाड़ देख लेंगे पहले। तो फिलहाल मैं लूटा पहुँच गया जी। तो दोस्तों देख सकते हो नज़ारा, अभी सनसेट होने वाला है, वैसे काफ़ी बढ़िया लग रहा है पुल के ऊपर से, एक तरफा वाला व्यू है।